यही है ना इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट चैनल हाँ टी आर एस क्लिप्स हिंदी सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन पर क्लिक करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ पर शेयर करो आपको लगता है या yeah, दर्द दिमाग में है hmm. uh, अगर दर्द बेजती और सर्दी जितना महसूस करते हो ना उतनी लगती है hmm. दर्द बेजती और सर्दी जी सर जितना महसूस करोगे ना उतनी ही लगेगी अगर एक स्टेज के बाद में है ना आ, दर्द दवाई बन जाती है मतलब फिर आप चाहे चाहे वो इमोशनल पेन हो चाहे मेंटल चाहे फिजिकल जो भी हो लेकिन उसके लिए फिर आपको खुद को तैयार रहना पड़ता है मतलब आपको ना मतलब उसको सहना पड़ता है जो सहने की क्षमता अगर आपने तैयार कर ली ना कि दर्द हो रहा है फिर भी आप लगे हुए हो काम में तो फिर फिर दर्द है ना मतलब फिर दर्द आपको पावर देता है फिर मज़ा नहीं आता बिना दर्द के मतलब आपसे एक गहरा सवाल पूछ लूँ जी जी uh, क्या आपके अंदर अभी इमोशनल पेन है सिर्फ uh, 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 जो मेरे साथी जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिलीज के लिए यस है रहेगा uh, जब तक uh, जिंदा है वो रहेगा uh, कि वो बस इसलिए दुख लगता है कि उस माँ की तो कोई गलती नहीं थी कि उसने अपने जीते जी अपना बेटा अपने सामने खो दिया या उन बच्चों की तो कोई गलती नहीं है कि उनको अपने बाप का जो मिलनी चाहिए एक पूरी ज़िंदगी में यंग एज में जैसे आप मैं हमें हमारे फादर ने गाइड किया लाइफ में जब हम संघर्ष कर रहे थे यंग एज में क्या सही है क्या गलत है कोई हाथ पकड़ने वाला होता है तो उनके फादर का जो साया था उनके सिर से चला गया या वो बहन जिसने भाई खोया या वो वो बहन जिसने अपना पति खोया यंग एज में तो मतलब उस उस एज में अपने लाइफ पार्टनर को खोना मतलब वो पेन शायद उनको हमसे ज़्यादा है तो ये एक थोड़ा सा इमोशनल दर्द है पर, पर आ, आप आप इस दर्द को मतलब जाने क्यों नहीं देते मैं इस दर्द को है ना थोड़ा सा इस दर्द से मैं एनर्जी लेके मैं इसको एक चैनलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं जब डॉक्टर कलाम के साथ जब था थोड़े टाइम के लिए तो मैंने उनके साथ ये शेयर किया था कि ऐसा ऐसा है उनको पता था कि ये है एंड डॉक्टर कलाम का मानना था कि इमोशनल होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इमोशनल नहीं हो तो फिर पत्थर जाते हो जरूरी नहीं हर चीज़ के लिए इमोशनल हो लेकिन जुनून जो चीज़ें हैं Uh, जैसे आज आप मैं हर हिंदुस्तानी तिरंगे के लिए थोड़ा सा इमोशनल है अगर आपके मेरे किसी के सामने अगर तिरंगे की कोई तोहिन कर रहा हो तो हमें डेफिनेटली अंदर एक भावनाएँ एक गुस्सा एक क्रोध या इमोशंस आएंगे uh, तो जिन उन चीज़ों के लिए आपके दिल में आपके जहन में इमोशन होना जरूरी है होना भी चाहिए वो वो आपको एक बैलेंस भी करता है एज ए ह्यूमन बींग तो जो ये आपने कहा ये दर्द क्यों नहीं जाने देते तो मैं इस दर्द की दवा बनाने में लगा हूँ और तो मैं जब डॉक्टर कलाम के साथ था कि ऐसा ऐसा क्या किया जाए तो उनका था कि क्यों नहीं हम जो शहीद परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं अपने फादर खोए अपने पति खोए भाई खोए हैं उन फैमिलीज़ को और क्यों नहीं हम देश की जो आम जनता है उसके करीब लेके आएँ क्यों नहीं हम उनके बच्चों के लिए कुछ एजुकेशन का कुछ करें आ, कुछ एक ऐसा मिशन करना चाहिए हमें आ, किसी भी फौजी के परिवार को जनता से पैसा एक रुपया नहीं चाहिए उनको उनको सिर्फ इज्जत चाहिए मोहब्बत चाहिए आपने अगर किसी शहीद के परिवार के पास आप दो मिनट जाके उनकी माँ या उनके फादर के पास बैठें और उनके बेटे के बारे में बात करें आप उनको ये एहसास करवा दें कि वो नहीं है मैं हूँ आपका बेटा मैं हूँ हम आपके साथ हैं मैं आपको बता सकता हूँ कि उसके बाद में वो माँ और वो पिता जो शहीद के हैं वो आपको ज़िंदगी भर है ना आप आपके अंदर अपने बच्चे की शक्ल देखना शुरू कर देंगे उनको जस्ट एक रेस्पेक्ट चाहिए होता है वो सबसे बड़ी आप दौलत अगर दे सकते हैं तो शायद वही है एक शहीद परिवार को तो उसके लिए डॉक्टर कलाम के साथ काम करते हुए हमने एक छोटा सा एक मिशन पर सोचा था और फिर वो मिशन स्टार्ट भी किया सोल जराथन कि ए रन इन ऑनर ऑफ और सोल्जर्स एंड मार्टर्स कि वो रन ऐसा देश में अकेला ऐसा रन जिसमें सिविलियन लोग भी और फौजी लोग भी शहीद परिवार और वर्दी के सम्मान में साल में एक बार दौड़े उनके ओनर में ताकि और उनको उस फंक्शन में uh, उसके ब्रांड एम्बेसडर उसके हीरोज़ वही सोल्जर्स फैमिली वो, वो रहें और उससे जो भी अगर फंड जनरेट होते हैं अगर कोई एन साथ में आता है तो आर्मी का जो आर्मी बैटल मुंडेड सोल्जर्स का जो फंड है उसके अंदर हम वो पैसे उनकी बच्चों की एजुकेशन के लिए या वो सोल्जर्स जो इंजर्ड हो चुके हैं जिनके हाथ पैर युद्ध में या टेरिस से लड़ते हुए जिनको इंजरी हुई है एक क्षति पहुँची है तो उनको हम सपोर्ट कर सकें तो वो एक मिशन चलाया है और वो दिल के बहुत करीब है